उड़ान हमेशा ऊंची भरनी चाहिए, नहीं मिलेगी मंजिल तो कोई गम नहीं, पंख तो मजबूत होंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही सोच रहा था कि क्या ऐसा बोल के वीडियो शुरुआत करूं कि जिससे लोगों पे काफ़ी इफेक्ट पड़े, इम्पैक्ट पड़े। तो सोचा क्यों ना जो मुझे लाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई इस बुक में वही आप लोगों के लिए मैं पढ़ दूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो देख के किसी का टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम ही सब कुछ होता है। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाऊं मैं उन लोगों के लिए जो अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो फ़ायदा चाहते हैं कुछ देख के। तो मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो देख के एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो उनको फ़ायदा होए। आपने अक्सर सुना होगा कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो बहुत हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, और उन्हें देखकर हमें हमेशा आगे बढ़ने की ललक रहे और हमें कभी ना हार मानने के लिए ऐसे मतलब प्रेरित करते रहें कि कभी गिव अप नहीं करना है। खैर ऐसे लोग तो मिलते नहीं हैं, बहुत कम होते हैं जो ऐसे लोगों को मिलते हैं। मैंने हमेशा चाहा कि मैं ऐसे लोगों के बीच बैठूं जिनसे इंटेलेक्चुअल बातें कर सकूं, जिनसे बहुत कुछ सीख सकूं लाइफ में कि भी उन्होंने कैसे उस मुकाम को हासिल किया, क्या उनके बीच ऐसी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मुझे तो ऐसे कुछ मिले नहीं। तो मैंने बुक्स को ही अपना साथी माना। बुक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मोटिवेशन स्पीच हम सुनते हैं तो मोटिवेशन स्पीच सुन के थोड़ा बहुत जोश आ जाता है, क्या सच कहूँ तो मुझे उतना भी जोश नहीं आता, मतलब आता ही नहीं है। और अगर यही बात करूँ मैं इस बुक की, ट्वेल्थ फेल की, तो एक ऐसी बुक जिसमें एक ऐसे लड़के की जर्नी दिखाई गई जो 12वीं फेल था, 10th में उसकी 3rd डिवीज़न आई थी, और इंग्लिश में वो सिर्फ पासिंग मार्क्स से ही पास हुआ करता था, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं आया। और उस इंसान ने भारत का सबसे टफ एग्ज़ाम जो माना जाता है UPSC सिविल सर्विस का, वो क्रैक करके IPS ऑफिसर बना। इस बुक में उसी इंसान की जर्नी है जिसका नाम है मनोज शर्मा। सच कहूँ मैंने ऐसी बुक नहीं पढ़ी जितना इन्फ्लुएंस इस बुक ने मुझे किया। जब आप बुक पढ़ने बैठोगे और जब आप बुक कंप्लीट कर चुके होगे, यकीन मानो आप में जब पहले जब पढ़ने बैठे थे और जब पढ़ चुके, उसमें बहुत फ़र्क आ चुका होगा। आपको एक नई उम्मीद और एक इतना एक खुशी, एक ऐसा महसूस होगा कि यार अभी हारे नहीं हैं, अभी अभी बहुत कुछ बाकी है। लाइफ अभी इतनी छोटी नहीं है कि अगर आप एक दो एग्ज़ाम में फेल हो गए हो या फिर कुछ आप अचीव नहीं कर पा रहे हो तो नॉट अ बिग डील, आप इससे अच्छा कर सकते हो। ये बुक सिर्फ इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि किसी को UPSC क्रैक करना है, IPS बनना है या IAS बनना है, उससे कहीं ज़्यादा ये बुक है। इस बुक में हर चीज़ है कि एक इंसान का स्ट्रगल, उसका प्यार, यकीन मानो कोई कहता है कि भाई प्यार मत कर जब तू पढ़ रहा है या फिर उसमें डिस्ट्रैक्ट मत हो, लेकिन कहीं ये अपोजिट उस चीज़ के है। इस इंसान ने प्यार किया, उस प्यार से इसको ताकत मिली। देखो क्या होता है ना कि कोई इंसान मोटिवेशन स्पीच सुन के या फिर अपने घर के हालात देख के या फिर किसी ऐसे इंसान को देख के वो इन्फ्लुएंस होता है कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता होता है। तो मेरा सुझाव यही होता है कि आप हर चीज़ करो, आप बुक्स पढ़ो, आप किसी इंसान से ऐसे मिलो या फिर आप देखो कि आपकी लाइफ ऐसी क्या हो रही है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो बुक्स तो मैं प्रेफर करूँगा कि आपको ये पढ़नी चाहिए, और मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं मिल रहा कि मैं आप लोगों को प्रेरित कर सकूँ कि ये 12th फेल आप बुक पढ़ो। बहुत ज़बरदस्त बुक है, बहुत आपको प्रेरित करेगी। एक जो ज़मीनी से उठने वाला ऐसा इंसान जिसकी आर्थिक हालत इतनी ख़राब थी कि उसने अपने दिल्ली में रूम का किराए के लिए अमीर लोगों के जो कुत्ते हैं वो शाम के 2 घंटे उन्हें घुमाया ताकि उसको 800 रुपये महीना मिल सके, ताकि वो अपने कमरे का जैसे तैसे किराया निकाल सके। पढ़ाना चाहा, पढ़ाने के लिए इसको ट्यूशन नहीं मिली। अपने दोस्तों के लिए खाना बनाता था ताकि इसको खाने का खर्चा ना देना पड़े। ट्यूशन के लिए फीस नहीं होती थी, जैसे तैसे उनसे जाता था ट्यूशन की फ़ीस की उनसे बात करता था। टीचर भी अच्छे मिले, काफ़ी प्रभावित था विवेकानंद जी से। तो एक ऐसे इंसान की जर्नी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अपनी लाइफ में। देखो यार, अगर आप कहो कि हम ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं या फिर वो नहीं मिलते हैं, किसी को मिल जाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर को नहीं मिलते हैं, तो बुक्स ही उनके लिए प्रेफर मैं करूँगा कि भी बुक्स बहुत अच्छी चीज़ है। आपको जो आज की लाइफ होगी है, जैसे कि लोग कहते हैं कि यार मोबाइल से कैसे दूर रहें, वो ऐसी हज़ारों वीडियो देख डालते हैं कि ऐसे 3 उपाय कर लो, ऐसे 5 उपाय कर लो कि आप अपने मोबाइल से दूर हो जाओगे। तो एक सटीक जो मेरे लिए मैं आपको ओपिनियन देना चाहूँगा मेरी तरफ से कि भाई आप लोगों को ये बुक्स पढ़नी स्टार्ट करनी चाहिए। ये हिंदी में है, कोई इंग्लिश में नहीं है कि आप सोचो कि इंग्लिश में है कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। हिंदी में बहुत अच्छी बुक है, केवल 117 या 125 रुपए की बुक आ जाएगी, 175 पेज हैं,
पढ़ने में जो एक एवरेज होगा वो 5-6 घंटे ले लेगा, और उस इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार। ऐसी ऐसी चीज़ें कि सफलता के ऊपर बहुत अच्छे, जो इसका जो इंटरव्यू था, मनोज शर्मा जी का जो इंटरव्यू था लास्ट में, वो बहुत इतना झंझोड़ने वाला था कि भाई 12वीं फेल होने के बाद वो कैसे इंसान वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, हर चीज़ उसके सामने, वो शुरू से लेके आखिर तक कि उसकी जर्नी उस इंटरव्यू में पूछी गई, फिर भी उस इंसान ने वहाँ डटे रहे। कैसे इंग्लिश ना आते हुए भी यूपीएससी में, जिसको इंग्लिश प्रेफर की जा रही थी, ऐसे इंसान जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, जो यूपीएससी में चाहते थे कि भी इंग्लिश, जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है वही एक आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बने, बावजूद इसके भी उन इंसान को इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। इनका इंटरव्यू इतना ज़बरदस्त मुझे लगा यार। मेरे ओपिनियन में तो आप लोगों को ये बुक ज़रूर ज़रूर पढ़नी चाहिए, भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, या अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो, या फिर कुछ और करना चाहते हो, उसके लिए ये बहुत सटीक चीज़ है कि कैसे एक साधारण सा ही लड़का, एक बिल्कुल साधारण सा लड़का, जिसका कोई बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं था पढ़ाई से, आर्थिक से, फिर भी इस इंसान ने उस यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर डाला। खूबसूरत लाइन मुझे इसमें बहुत पसंद आई थी, जब एक लड़की मंच पे खड़े होकर भाषण दे रही होती है, तब तो वह कहती है कि माँ बाप को अपनी औलाद से तब प्यार नहीं करना चाहिए कि जब वो सफल हो गया, उसे तब भी वो प्यार करें जब वो असफल हो। खैर देखो यार, मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत सपोर्ट किया है, और करते भी आ रहे हैं, बावजूद इसके कि मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए अपनी लाइफ में, उन एग्ज़ाम में आज तक मैं क्लियर नहीं हो पाया, बावजूद इसके भी उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, आज भी देते आ रहे हैं। बहुत उनको यार, खैर मैं वो इतनी लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, वो बात लेके भावुक हो जाएंगे उस चीज़ को लेके। खैर मैं ये अपने माँ बाप के लिए नहीं, ये उनके लिए कह रहा हूँ कि जो अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए देखते हैं कि भाई हाँ ये सफल हो जाए तभी इसको मेरी इज्जत मिलेगी, मैं इसका सम्मान करूँगा, वरना अगर ये असफल है तो भैया इसका धिक्कार ही होगा, इसको ऐसे कह के बुलाया जाएगा। सफल होना या ना होना, देखो यार वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है कि आपने उसे पाने के लिए बहुत मेहनत की, आपने अपनी तरफ से 100% दिया। आप यकीन से कह सकते हो कि भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब होना या ना होना वो बाद की बात है, आपने अपनी संतुष्टि के लिए कर लिया, बहुत है, आप अपनी नज़रों में सफल हो। मेरे लिए तो सफलता यही है। बहुत से आप मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं, बहुत से आप लोगों से मिलते हैं, तो एक अगर एक छोटी सी बुक अगर आप पढ़ लोगे उससे आपको सच में फ़ायदा ही होने वाला है, तो प्लीज़ ये बुक पढ़ो। मूवीज़ तो देखते ही हो, मूवीज़ में जहाँ पे 500, 400, 200 रुपये खर्च कर देते हो, ये वहीं ये बुक जो है बिल्कुल 150 रुपये, इतनी कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं है आज की डेट में, और 175 पेज हैं सिर्फ, कोई इतने ज़्यादा पेजेस भी नहीं है, इतनी छोटी सी पेज है, और यकीन मानो जब आप इसका पहला पेज पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तब से लेके आखिर तक आप इसको छोड़ नहीं पाओगे कि हुआ क्या था, लास्ट तक आप पहुंचोगे जानने के लिए क्या होगा, अब क्या होगा। इस बुक को पढ़ते वक्त मेरे अंदर गुस्सा आया, मैं निराश हुआ, दुख महसूस हुआ, खुशी हुई, यार हर चीज़ वो जीवनी मैंने महसूस कर ली जो मनोज शर्मा ने अपनी ये इस जीवन में दिया, कि हाँ यार कितनी तकलीफ़ से सहता हुआ, 3 दिन तक भूखा, एक होटल में जाके कहता है कि भाई मुझे खाना दे दो उसके बदले मैं काम कर दूंगा, वो चीज़ महसूस करके देखी यार कि ये झूठ नहीं है, ये सच है, कि आप कहो कि हाँ ये कुछ बढ़ा चढ़ा के बोला गया, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।